व्यवस्था विवरण अध्याय चार व्यवस्था विवरण अध्याय चार मूसा का उपदेश। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपुर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपुर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सबके सब आज जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाए। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधकता रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही सुन पड़ा, और उसने तुमको अपनी वाचा के दसों वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की दो पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई दिया, कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो, वा
जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशों के सब देश वालों के लिए रखा और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे के सरीखे मिस्र देश से निकाल लाया है इसलिए कि तुम उसकी प्रजारूपी निज भाग ठहरो जैसा आज प्रकट है फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई कि तू यर्दन पार जाने न पाएगा और जो उत्तम देश इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है उसमें तू प्रवेश करने न पाएगा किंतु मुझे इसी देश में मरना है मैं तो यर्दन पार नहीं जा सकता परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है वह जल उठने वाला परमेश्वर है यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न करो तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करते हुए कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो उसमें कुछ जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे और यहोवा तुमको उस देश के लोगों के तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े हिस्से रह जाओगे और वहां तुम मनुष्यों के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेगी तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु परमेश्वर है वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा और जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ खाकर बांधी है उनको नहीं भूलेगा और जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई वह सुनने में आई है क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही है जैसे कि तूने सुनी है फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहात और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है उसको छोड़ और कोई है नहीं आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई और उसने उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया
कि तुझसे बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं, और तू उसकी विधियों को और आज्ञाओं को जो मैंने आज तुझे सुनाया है मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत बरन सदा के लिए हो। तब मूसा ने यर्दन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समरथ देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनश्शेइयों के बाशान का गोलान। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इसराइलियों को दी वह यह है। यही वे चेतावनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इसराइलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यर्दन के पार बेतपुर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के पीछे मारा, और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओक के देश को अपने वश में कर लिया। यर्दन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर से लेकर सियोन जो हेरमोन भी कहलाता है, उस पर्वत तक का सारा देश और पिसगा की सलामी के नीचे के अराबा के ताल तक यर्दन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है।